अब रुक करते हैं हरियाणा का, जहां से हमारी सहयोगी रिया त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। जी रिया, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसके साथ ही एनडीए की बड़ी बैठक भी होने जा रही है जिसमें पीएम मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। क्या कुछ तैयारियां की गई है इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, 48 सीटों पर काबिज होकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, ये जो मोदी लहर थी उससे भी बड़ी जीत इस बार हरियाणा में हुई है, क्योंकि 48 सीटें मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। इस बार के जो सभी एग्जिट पोल है उसके विपरीत जो है नतीजा आया था। प्रदेश में जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीत कर जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, और नायब सिंह सैनी जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की यहां शपथ लेंगे। आज कुछ ही देर में जो है शपथ ग्रहण जो समारोह है वो आज शुरू हो जाएगा, और उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के जो है वो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है सुरक्षा के जो प्रबंध है वो किए गए हैं। और वही मैं अगर बता दूं तो नायब सिंह सैनी को लोकसभा के दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष का उनको पद मिला और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया, एक सांसद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक की जो है सफर किया, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, क्योंकि एक सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री पद जो है नहीं संभाल सकते। उन्होंने जिस तरह से पहले करनाल से और उसके बाद लाडवा से अब विधानसभा जो चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आचार संहिता अगर हटाकर मैं बात करूं तो कुल उनको 56 दिन जो है बतौर मुख्यमंत्री काम करने को मिले थे, और बाकी जो दिन थे उसमें आचार संहिता लागू थी, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है 56 दिन उन्हें काम करने को मिले थे, और उस 56 दिन में उन्होंने कुल 126 जो है बड़े फैसले लिए थे, जिसमें नौकरियों से संबंधित एमएसपी की जो डिमांड थी किसानों की, सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी को लेकर उन्होंने फैसला सुनाया, सरपंचों को लेकर भी उन्होंने फैसला इस दौरान लिया, वही तमाम जो कर्मचारी वर्ग है उनकी ओर भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। कहीं ना कहीं जो वो फैसले लिए गए हैं वो बीजेपी के लिए वहां से पॉजिटिव पॉइंट बनकर निकली है, और जो 126 फैसले 56 दिन के अंदर नायब सिंह सैनी ने लिए हैं, कहीं ना कहीं उसका जो है असर हरियाणा में देखने को मिला है कि एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना चुकी है, 48 सीटों पर जो है जीत हासिल की है, और आज जो है पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कुछ ही देर में जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय नेता है, राज्य के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर से अलग अलग वहां पहुंच रहे हैं, नायब सिंह सैनी वहां शपथ लेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह यहां देखने को मिल रहा है। अगर मैं तमाम जगहों की बात करूं तो सभी जिलों में लगभग जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता की मैं बात करूं तो तमाम एकत्रित होकर यहाँ ढोल नगाड़े बजवाकर जो है उत्साहित नजर आए, उन्होंने आज लड्डू बांटे हैं, जलेबी बांटी है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नायब सिंह सैनी के जो फैसले रहे हैं हरियाणा में प्रत्येक जो जनता है, प्रत्येक मतदाता है, उसने हरियाणा की सरकार बनाने में इस बार अपना योगदान दिया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और जिस तरह से चुनाव हुए हैं तो लोगों को भी ये उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत से जनता ने जो सरकार बनाई है जनता के लिए जो है काम जरूर करेंगे। जो 126 फैसले नायब सिंह सैनी ने लिए हैं इस 26 दिन में, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये उम्मीद है कि आगे और भी फैसले लेंगे, और जो मैनिफेस्टो में तमाम घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं पर कायम करेंगे, उन घोषणाओं को लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नायब सैनी ने तमाम घोषणाएं की थी और मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का आया है, जेपी नड्डा ने रोहतक के प्रदेश मीडिया सेंटर में जो है अपना मैनिफेस्टो यहाँ जारी किया था, तो उसमें जो कुल इनकी घोषणाएं थी, कहीं ना कहीं जनता ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है ये सभी जो घोषणाएं थी वो पूरी की जाएंगी। और वहीं अगर मैं बात करूं तो तमाम जो एक एक करके यहाँ जो परेड ग्राउंड है वहां पर पंचकुला में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं या राज्य के पूर्व में जो मंत्री रहे थे वो यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि जो मंत्री पद है कौन कौन जो है मंत्री पद की शपथ लेता है, क्योंकि इस पर गहन मंथन किया गया था, रात को जो है लिस्ट पूरी तैयार की गई थी, और उसको लेकर जो एनडीए की अब मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है, उसमें भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
बैठक में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं उन पर मोहर लगेगी कि कौन सा मंत्री पद किस विधायक को मिलता है। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जो पद है वो किसे मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल, कौन सी मंत्री पद का शपथ किसको मिलना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिया।